हेलो एवरीवन, आज हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को इजी वे में हम कैसे लर्न रख सकते हैं। तो ये हमारे डाल्टन साहब हैं और ये एक छोटा बच्चा है। ये छोटा बच्चा जो है वो डाल्टन के पास जाता है और डाल्टन के पैर पकड़ के कहता है कि सर सर मुझे नौकरी दे दो, मुझे CID में भर्ती कर लो। तो ये छोटा बच्चा जो है वो CID में भर्ती होना चाहता है। तो डाल्टन पूछते हैं तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तो ये कहता है मेरे पापा का नाम मैटर है। फिर पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तो ये बच्चा जवाब देता है मैं छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूं। तो डाल्टन कहते हैं अरे भाई हमने तुम्हारा नाम पूछा है। तो ये बच्चा जवाब देता है कि सर मेरा नाम जो है वो एटम है। तो डाल्टन पूछते हैं कि CID में भर्ती होने के लिए एक इंसान में कौन से गुण होने चाहिए? तो बच्चा जवाब देता है कि CID में भर्ती होने के लिए एक इंसान को जो है वो SIW होना चाहिए। तो डाल्टन पूछते हैं ये SIW क्या है? तो वो जवाब देता है कि इंसान को स्मार्ट इंटेलिजेंट वर्कर होना चाहिए। अगर CID में नौकरी करनी है तो इंसान कैसा होना चाहिए? स्मार्ट इंटेलिजेंट वर्कर होना चाहिए। तो डाल्टन को उसका जवाब जो है वो पसंद आया। तो डाल्टन कहते हैं बैठो तुम्हारा इंटरव्यू होगा। अब डाल्टन जो है वो इस एटम का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो डाल्टन पूछते हैं CID में C का मतलब क्या होता है? तो एटम जवाब देता है CID में C का मतलब केमिकल रिएक्शन से है। तो डाल्टन पूछते हैं क्या तुम केमिकल रिएक्शन कर पाओगे? तो एटम जो है वो भारत माता की कसम खा के कहता है कि मैं भारत माता की कसम खाता हूं कि मेरे अलावा केमिकल रिएक्शन में कोई और पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। फिर डाल्टन पूछते हैं कि आई का मतलब क्या है? तो एटम जवाब देता है आई का मतलब आइडेंटिकल है। तो डाल्टन पूछते हैं साबित कर पाओगे आइडेंटिकल मतलब क्या? तो एटम कहता है कि एक मैटर के सारे एटम जो है वो आइडेंटिकल है। अब एटम जो है वो सबूत पेश कर रहा है कि ये हमारा एल्यूमिनियम मैटर है, इसका सबसे छोटा पार्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा होगा। कैसे दिखाई देगा? सबसे छोटा पार्ट है ना, तो इसका सबसे छोटा पार्ट जो है वो कहता मैं हूं एटम। और अगर इस मैटर को क्रश किया जाए, इस मैटर का पाउडर बना लिया जाए, तो मेरे बहुत सारे भाई जो है वो पैदा हो जाएंगे। तो मैं और मेरे सारे भाई जो हैं वो आइडेंटिकल होंगे विथ रिस्पेक्ट टू साइज, विथ रिस्पेक्ट टू मास, विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर डाल्टन कहता है कि इस डी का मतलब क्या है? तो एटम कहता है डी का मतलब होता है डिफरेंट। तो वो कहता है साबित कर पाओगे? तो वो कहता है बिल्कुल। तो वो दूसरा मैटर लाता है, ये आयरन मैटर है। इस आयरन के सारे एटम जो है वो कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, लेकिन आयरन का एटम जो है इस एल्यूमिनियम के एटम से क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू देयर शेप, विथ रिस्पेक्ट टू देयर साइज, विथ रिस्पेक्ट टू देयर मास, विथ रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये एटम कहता है कि मैं और मेरे भाइयों की शक्ल जो है मेरे पापा से हूबहू मिलती है, लेकिन मेरी शक्ल जो है ना तो मेरे दोस्तों से मिलती है और ना मेरे दोस्तों के पापा से मिलती है। फिर डाल्टन पूछते हैं कि इस एस का मतलब क्या है? तो एटम जवाब देता है स्मॉल साइज। तो वो कहता है कि क्या तुम साबित कर पाओगे कि तुम स्मॉल साइज के हो? तो एटम जो है भारत माता की कसम खा के कहता है कि मैं अपने मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हूं, मैं अपने पापा का सबसे छोटा बच्चा हूं, मुझसे छोटा कोई नहीं है। फिर डाल्टन पूछता है इस आई का मतलब क्या है? तो एटम जवाब देता है इस आई का मतलब है इमोर्टल, इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब मुझे ना तो क्रिएट कर सकता है कोई और ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर डाल्टन पूछता है इस W का मतलब क्या है? तो एटम जवाब देता है इस W का मतलब है कि होल नंबर में रिएक्ट करना है, फ्रैक्शन में कभी रिएक्ट नहीं करना, रिएक्ट करना है होल नंबर में। तो वो कहता है कि क्या तुम ऐसा कर पाओगे? तो वो कहता है बिल्कुल।
तो केमिकल रिएक्शन में एटम जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में ही रिएक्ट करते हैं। तो ये हमारी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हो गई। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट जो है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो जो सेकेंड पॉइंट है आई, इस आई का मतलब होता है आइडेंटिकल। तो एटम ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू देयर साइज, देयर शेप, देयर मास, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक एलिमेंट के सारे एटम जो हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। थर्ड पॉइंट है डी, डी का मतलब होता है डिफरेंट। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर शेप, देयर साइज, देयर मास, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर फोर्थ पॉइंट है एस, एस का मतलब होता है स्मॉल साइज। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। आई का मतलब होता है इनडिस्ट्रक्टिबल। तो एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। एस डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर, मतलब एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन विथ स्मॉल होल नंबर रेशियो। इसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशंस आएंगे। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो फर्स्ट लिमिटेशन है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के फर्स्ट फोर लॉ को तो एक्सप्लेन कर पाई, लेकिन जो फिफ्थ लॉ है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर पाई, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर दिया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर दिया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो फिफ्थ लॉ है गेलोसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन गेलोसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो ये गेलोसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो सेकंड लिमिटेशन है वो ये नहीं बता पाई कि जो हमारे एलिमेंट जो है वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, वो क्यों होते हैं, इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच कौन सा फोर्स लगता है, इन लिक्विड पार्टिकल्स के बीच कौन सा फोर्स लगता है, इन गैसियस पार्टिकल्स के बीच कौन सा फोर्स लगता है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करता है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं उनके मास अलग क्यों होते हैं, उनकी वैलेंसी अलग क्यों होती है, वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि एटम जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में ही रिएक्ट क्यों करते हैं। तो ये हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थे। अब हम बात करेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ये जो 6 पॉइंट हैं, इनमें से केवल एक पॉइंट ही वैलिड रहा, बाकी सारे पॉइंट में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो फेल हो गई। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का वो कौन सा पॉइंट है जो आज भी मान्य है? तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का वो पॉइंट है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इस पॉइंट के अलावा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के सारे पॉइंट जो है वो कैसे हो गए, फेल हो गए। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कौन कौन से पॉइंट जो है वो फेल हो गए, तो देखो जरा, जब वो आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, तो आइसोटोप्स आए तो आइसोटोप ने हमको ये बताया कि एक एलिमेंट के जो एटम हैं उनके मास जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि एटम ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू देयर मास। तो इनके मास तो कैसे हैं, अलग अलग हो गए। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फेल हो गया। सेकेंड जो है, जब आइसोबार डिस्कवर हुआ, आइसोबार मतलब ऐसे एटम जिनके मास जो हैं वो कैसे हैं, सेम हैं,
तो कार्बन 40 नाइट्रोजन 40 ये सेम है, आर्गन 40 कैल्शियम 40 पोटेशियम 40 ये सेम है। तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं उनके मास जो है वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, तो उसका ये स्टेटमेंट भी जो है वो फेल हो गया। फिर जब हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए तो ये पॉइंट भी फेल हो गया कि एटम जो है वो इंडिविजिबल होता है। फिर जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री आई तो फिर ये पॉइंट भी फेल हो गया कि एटम जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। कि एटम जो है वो नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये पॉइंट भी फेल हो गया, एटम को जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो यूरेनियम 92-235 जब इससे एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो अल्फा पार्टिकल 2He4 होता है, तो निकलना है तो मतलब एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, मास 4 कम हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर 90 बनेगा, मास 231 बनेगा। 90 एटॉमिक नंबर थोरियम का होता है तो मैं TH लिखा। तो एटम जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एटम जो है उसको डिस्ट्रॉय हम कर सकते हैं, तभी तो न्यूक्लियर रिएक्शन में मास जो है वो डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर जब मैक्रोमोलिक्यूल्स आए जैसे कि ये सुक्रोज है C12H22O11, हमारे पॉलीमर्स आए तो वहाँ पे जो एटम हैं उनके रेशियो जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं रहे, जहाँ पे रेशियो है 12:22:11, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं कहा जा सकता। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के सारे पॉइंट फेल हो गए, केवल एक पॉइंट ही अभी तक जिंदा है और वो पॉइंट है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एटम ही पार्टिसिपेट करता है बस, और बाकी सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो लाइन से फेल होते चले गए। तो ये हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।